गंगा यमुना और सरस्वती के संगम तट पर बसे प्रयागराज को पुलों का शहर भी कह सकते हैं। झूंसी, नैनी एवं फाफामऊ, इन सभी को प्रयागराज के मुख्य शहर से जोड़ने के लिए पुलों की भूमिका महत्वपूर्ण है। कुंभ के समय जब करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज आने लगते हैं, तब इन सेतुओं की क्षमता को अधिक बढ़ाने के लिए पैंटून पुलों का निर्माण किया जाता है। सामान्य दिनों में हर पुल से औसतन 5 लाख से भी अधिक गाड़ियों का आवागमन होता है। रेलगाड़ियों के आने जाने के लिए भी यह पुल आवश्यक है। तो चलिए इन पुलों के बारे में थोड़ा और जानने का प्रयास करते हैं। गंगा नदी के ऊपर बना आजाद सेतु, जिसकी लंबाई लगभग 1 किलोमीटर है, यह पुल फाफामऊ और तेलियरगंज को आपस में जोड़ता है। इस पुल के ठीक बगल स्थित है लॉर्ड कर्जन ब्रिज, जो अंग्रेजों के समय में बनवाया गया था। इसमें नीचे से रेलगाड़ियां जाती थी और पुल के ऊपरी भाग से सामान्य वाहन। वर्तमान में रेलगाड़ियों के आवागमन के लिए एक नया पुल ठीक इसी के बगल में स्थापित किया गया है। इस पुल के ऊपरी भाग का प्रयोग अभी भी पैदल अथवा दो पहिया वाहनों के द्वारा किया जाता है। यह पुल अपनी उपस्थिति बॉलीवुड में भी बना चुका है। दारागंज और झूसी को आपस में जोड़ने के लिए शास्त्री ब्रिज का निर्माण किया गया है, जिसकी लंबाई 2 किलोमीटर से भी अधिक है। अंग्रेजों के समय में दारागंज और झूसी के बीच में मात्र रेलवे का पुल बनवाया गया था। उन दिनों झूसी आने जाने के लिए फाफामऊ के ही पुल का प्रयोग किया जाता था। वर्तमान में झूसी का पुल प्रयागराज का सबसे अधिक व्यस्त सेतु कहा जा सकता है। प्रयागराज सिटी और नैनी को आपस में जोड़ने के लिए यमुना नदी के ऊपर 700 मीटर लंबे एक और पुल का निर्माण अंग्रेजों द्वारा कराया गया। इस पुल का प्रयोग रेलगाड़ी एवं सामान्य आवागमन के लिए भी किया जाता था। यह इतना अधिक मजबूत है कि इसका प्रयोग वर्तमान में भी हो रहा है। आपको बता दें, यह पुल टू वे है, अर्थात एक तरफ जाने के लिए एक तरफ से आने के लिए मार्ग अलग अलग हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है प्रयागराज का सबसे आकर्षक पुल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेतु, लेकिन इसे नया यमुना पुल के नाम से अधिक जाना जाता है। इस पुल की लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर है। पुल का निर्माण सन 2000 में प्रारंभ हुआ था। लगभग 40 महीनों के अथक परिश्रम के पश्चात इसे स्वरूप दे पाना संभव हो सका। इस पुल के ठीक बीच में एक ऐसा स्थान है जहां से कई लोगों ने कूदकर आत्महत्या की है। आत्महत्या करने के पीछे मात्र एक ही कारण था, असफलता। प्रेम में असफलता, परीक्षा में असफलता, जीवन में असफलता। यदि आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं और वही आपके जीवन का उद्देश्य बन जाता है, तो असफलता एक ऐसा मानसिक दबाव पैदा करती है जो आपके भीतर जीवन का मोह समाप्त कर देती है। जीवन का मोह बढ़ता जाता है अगर आप जो चाहें उसे प्राप्त करते रहें, लेकिन जब आप लगातार इसमें असफल होते जाएं, तो जीवित रहना एक बोझ लगने लगता है। निसंदेह यह स्थिति डरावनी है और यह किसी के साथ भी हो सकता है। असफल व्यक्ति या तो स्वयं को मारने का प्रयास करता है या दूसरों को। इस मना स्थिति में आप कभी न पहुंचे, इसके लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आपकी अभिलाषित वस्तु आपको प्राप्त हो। यह वीडियो था प्रयागराज में बने पुलों के विषय में। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।